Hi friends, I'm Dr. Rajiv Anand, marriage counselor and psychiatrist. आप बहुत सवाल भेजते हैं हमारे इस चैनल को और हमारी ड्यूटी है कि हम आपकी बहुत सारी परेशानियों का समाधान आपको बताएं. उनमें से एक सवाल जो बहुत बहुत महिलाओं को अक्सर परेशान करता है कि वो उनकी लाइफ में फोरप्ले इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक्चुअल सेक्स से ज़्यादा उन्हें फोरप्ले क्यों इतना सुख देता है, एक्चुअल सेक्स हस्बैंड लोगों को ज़्यादा सुख देता है, वाइफ को फोरप्ले ज़्यादा सुख देता है, ऐसा क्यों है, उसके बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें आज आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कर लीजिए. आपकी बॉडी सिर्फ सेक्स के लिए नहीं बनी है. आपकी सेंसुअलिटी, आपका सुख मिलने की क्षमता, आपको प्लेजर मिलने की क्षमता सिर्फ आपके जेनिटल से, सिर्फ आपकी वजाइना में नहीं है, आपकी पूरी बॉडी में सेंसेशन है. आपकी पूरी बॉडी की हर अंग में सेंसेशन है. आपको इच्छा होती है, ज़रूरत होती है कि सारे पूरे शरीर के हर अंग को छुआ जाए, हर अंग को टच का सुख मिले, हर अंग में टच का पोटेंशियल है. आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ हर तरीके से बात करें, हर तरीके से जुड़ें, हर तरह के इमोशनल इंटरेक्शन हो, हर तरह की फैंटेसी का डिस्कशन हो, बहुत सारी प्यार की बातें हों, सिर्फ जेनिटल इंटरप्ले यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो. वो अलग बात है कि बहुत सारे लड़कों को या बहुत सारे हस्बैंड को इस विषय पर समुचित जानकारी ना होने की वजह से वो अक्सर ये समझते हैं कि वाइफ के पास आने के बाद शुरू से ही कपड़े उतार के शुरू से ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए. और इस गलत फहमी में और इस गलत अप्रोच में वो अपने और अपनी वाइफ के बीच में दूरियां पैदा करने में सहायक हो जाते हैं. सेक्सुअल इंटरकोर्स सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स पर ही शुरू और ख़त्म नहीं होता. सेक्सुअल इंटीमेसी से पहले एक वर्ड है इंटीमेसी. हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे ज़रूरी है कि दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनके बीच में इंटीमेसी हो, उनके बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी हो, डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट वेरिएबल ड्यूरेशन के लिए उसके बीच में कहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स हो. इसलिए ज़रूरी है कि फोरप्ले को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स किए जाएँ ताकि वाइफ का टोटल एन्जॉयमेंट की कैपेसिटी कई गुना बढ़ने की जो संभावना है उसको पूरा रियलाइज़ किया जाए, ना कि सिर्फ उसके जेनिटल से कॉन्टैक्ट करके मेल अपनी इच्छा पूरी करके अलग हो जाएं. तो जो लोग सही तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप को समझते हैं वो इंटरकोर्स से ज़्यादा फोरप्ले के महत्व को समझते हैं. आज के बाद ये मैसेज अगर आप महिला हैं सुन रहे हैं तो इसको सही अंदाज में अपने हस्बैंड तक पहुँचाइएगा, और अगर आप मैन हैं, हस्बैंड हैं, तो आप भी इसको सोचिएगा कि आप अपनी वाइफ को अब तक क्या दे रहे थे और आप उससे कई कई गुना ज़्यादा खुशी देने की क्षमता रखते हैं. आपने इन सवालों पर किसी से पूछने की हिम्मत की, बहुत अच्छा है. ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में और हो सकते हैं जो आप ही चकते हैं पूछने से. हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की. विश यू अ ग्रेट मैरिड लाइफ. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें. नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें.